नमस्ते गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो एक पर्सनल व्लॉग समझ सकते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस समझ सकते हो। आई एम गोइंग थ्रू अ फेज इन माय लाइफ, आई होप एवरीबॉडी गोज थ्रू दैट फेज और थॉट्स, एंड आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। मैं आपको एक कॉमन सा बात बताता हूँ, आई क्विट माई जॉब। यू कैन सी द टाइटल एज वेल ऑफ दिस वीडियो एज आई क्विट माई जॉब। द रीज़न बिकॉज मुझे एक चीज़ कभी समझ में नहीं आया कि 9 to 5 वाले मिडिल क्लास से क्यों रह जाते हैं, कभी अपर मिडिल क्लास क्यों नहीं होते या कभी हायर क्लास क्यों नहीं होते और द वन इन द क्रीम क्लास क्यों नहीं होते। जबकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग इतना टाइम देते हैं ऑफिस में, हम लोग अपने फेस्टिवल्स, अपने लाइफ के मोमेंट्स, अपने रिलेटिव्स को सेक्रीफाइस करते हैं, फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिलता, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है जो कि हमें अपने जॉब से चाहिए। और हम खुशी किस में ढूंढते हैं? पैसे में। या ऑफ कोर्स किसी के लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बट मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि लाइफ के मोमेंट्स, इमोशंस, पीपल इन माई लाइफ, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई क्विट माई जॉब। The next point that comes up is why quitting? हर कोई ये सोचता है कि quit करने से मेरा life वो वैसा चल पाएगा कि नहीं, will I be able to sustain my lifestyle for a period of months? So इसको मैंने quit करने से पहले मैंने एक risk analysis किया था, इतना अमाउंट मुझे एक्यूमुलेट करना है सो दैट इन केस आई हैव अ बफर टाइम ऑफ 6 months, 3 months टू फाइंड अ जॉब विच सूट्स मी, विच हैज अ सेटिस्फैक्शन लेवल एंड आई एम कंफर्टेबल इन वर्किंग। सी, शिफ्ट्स मैटर नहीं करता, वर्क एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता, मैनेजर मैटर नहीं करता, वर्क लाइफ बैलेंस मैटर नहीं करता, तो फिर आप जॉब किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए ये सारे फैक्टर्स मैटर कर रहे थे। That's why I quit my job. The next point that we are going to see now is the difference. When you have a job and when you have a flowing money in your account, you tend to use that money in all unnecessary things. Some unnecessary things, not all, but some unnecessary things. So, मैंने क्या किया? मैंने एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया जिससे कि क्रेडिट कार्ड्स, अननेसेसरी डेबिट कार्ड्स, वो सब मैंने क्लोज किया। कुछ अकाउंट्स थे जिस पर मुझे लॉस हो रहा था, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे, उसको मैंने क्लोज किया, उसके मनीज मैंने अकाउंट्स पर मंगाए, उसको मैंने एज अ बैकअप यूज़ कर रहा हूँ। मैं फालतू के खर्चे मैंने बंद किए। आई जस्ट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग how my life was getting shaped into when I was ignoring the small things. मैं सोच रहा था चलो यार इसको इग्नोर कर लेते हैं, डेली लाइफ की बात है, इग्नोर कर लेते हैं। नो, इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स अ लॉट गाइस। सो एनालाइज योर लाइफ। माई ओनली सजेशन वुड बी टू एनालाइज योर लाइफ, वॉच इट क्लोजली। आप किस डायरेक्शन हेड कर रहे हो? इज दैट जॉब गिविंग यू अ ग्रोथ? Is that job only satisfying your monetary needs? So आपको ये चीज़ तो define करना पड़ेगा अपने लिए। The last point that we are going to see is gaining. What I gained through this, I started paying attention on things like YouTube channel. I started learning something new, things like Python and AI. अभी मैं videos उसके ऊपर produce करने वाला हूँ, Python and AI के ऊपर। you can just share these videos, these will be knowledgeable videos, these will be for those folks who do not want to invest money in getting certifications but rather on knowledge. So I'll be sharing that information as well. And सबसे बड़ी बात यह है कि इससे gain मैंने क्या किया, there are two aspects. First of all, when you lose your job or you quit your job, you are an immediate joiner for the next openings that you find. That's a plus point. Second thing, आप money पर negotiate कैसे करते हो वो depend करता है। बहुत सारे लोग आपको ये suggestion देंगे कि have a job
then looking for another job, then you can easily negotiate. But again, it depends on your negotiation skills. मैं अभी वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ गाइस. I'm not going to take much time of yours, as I told you all. This was my personal vlog. Do comment in the section. What do you all feel about this video? Is there any other part of the emotion that I should be covering in, or I should make a video on, which will be helpful for the other folks? I just wanted to say you all guys, I'm not depressed. I'm not unhappy with the current situation. It's just that I'm analyzing my life, how it has shaped into, or I have to really see the progression. मैं जिस जॉब में था आई वॉज गेटिंग वेरी कंफर्टेबल इन दोज मोड सो दैट शुडंट बी देयर. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय.